नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने इस भारत के इतिहास की एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। आज मैं आप लोगों को अपने देश की 800 साल पुरानी ऐसी विरासत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में जानकर आप भी हो जाओगे हैरान, जो कि हमारे देश का गौरव था, हमारे देश की शांति, जिसे मुगलों ने 800 साल पहले नष्ट करने की बहुत कोशिश की थी, बल्कि नष्ट कर भी दिया था। वहाँ पर बचे थे तो कुछ नष्ट हुई विरासत के अवशेष, जिसकी वजह से हमारे देशवासियों को पता चला कि यहाँ पर क्या था। हम सब जानते हैं कि 800 साल पहले हमारे देश में मुगल आए, उन्होंने राज किया, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर उन्होंने भी राज किया और सब ने मिलकर हमारे देश को बहुत लूटा। और हमारे देश की जो विरासत थी, उनमें से एक ऐसी विरासत के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी हाँ, मैं कोई और विरासत की बात नहीं कर रहा हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, यह हमारे भारत देश की हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई गई एक यूनिवर्सिटी थी। जब पूरे विश्व में कहीं भी एक स्कूल या एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी नहीं था, तब हमारे भारत देश में नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें हर तरह की बीमारियों का इलाज होता था। और जब हमारे देश में मुगल आए तो जब उन्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला तो उन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया, इसमें आग लगा दी। कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थी कि जब उनमें आग लगी तो 6 महीनों तक लगातार जलती रही, और वही नालंदा यूनिवर्सिटी आज फिर बनकर तैयार हो गई है। 800 साल पुरानी विरासत नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा?